चरण सिंह की जयंती पर रहेगी छुट्टी। 2024 में पड़ने वाली छुट्टियों का कैलेंडर यहां पर जारी किया गया है। कैलेंडर में एक साल में 56 सार्वजनिक छुट्टियां, होली, ईद उल फितर, मुहर्रम, जन्माष्टमी, दीपावली, क्रिसमस डे, बकरीद, छठ पूजा पर छुट्टियां। बीजेपी सरकार में पहली बार चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी घोषित की गई है, तो यह बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। सरकार ने 2024 का कैलेंडर यहां पर जारी किया है। 2024 के कैलेंडर में छुट्टी रहेगी। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024 का जो कैलेंडर जारी किया है उसमें यहां पर किया है। सरकार ने जारी किया है 2024 का कैलेंडर। यूपी सरकार ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी रहेगी, इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024 के कैलेंडर में यहां पर किया है। सरकार ने 2024 का कैलेंडर जारी किया है जिसमें इस बात को लिखा गया है कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2024 का कैलेंडर यहां पर जारी किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। एक साल में 56 सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान यहां पर किया गया है। हॉलीडे कैलेंडर यहां पर जारी किया गया है। पहली बार आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी घोषित की गई है। यूपी में एक साल में 56 सार्वजनिक छुट्टियां और पहली बार चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आपको बता दें कि छुट्टी का ऐलान किया गया है। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, 2024 का हॉलीडे कैलेंडर जारी हो गया है और उसमें चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान, क्या संकेत है इससे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने आज कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें एक साल में कुल 56 सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। और सबसे जो अहम बात है वो है योगी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया है, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, महत्व दे रही है चौधरी चरण सिंह को, जो कि दरअसल चौधरी चरण सिंह जो जाट बाहुल्य बेल्ट है और इसके अलावा पश्चिम यूपी के साथ साथ में जो जहां भी, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान हो, जहां भी जाट बाहुल्य बेल्ट है वहां पर कहीं ना कहीं उनकी स्वीकार्यता आज भी बनी हुई है। और ये जो छुट्टी है ये कहीं ना कहीं उन भावनाओं को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए भी ये की गई है और ये पहली बार योगी सरकार ने ये चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का जो अवकाश का कैलेंडर जारी किया है पूरे एक साल में, उसमें चौधरी चरण सिंह की इस जयंती को भी शामिल किया है कि इस दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। क्या माना जाए संकेत, चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के तौर पर जाना जाता है, जिस तरीके से उनका योगदान है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है उसमें काफी प्रभाव आज भी चौधरी चरण सिंह की पार्टी का माना जाता है, तो ऐसे में क्या एक बड़ा मैसेज भी यहां पर इसके जरिए देने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो पश्चिम से लेकर पूरब, बुंदेलखंड और अवध, सभी क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसे में पश्चिम यूपी में चौधरी चरण सिंह की बड़ी सुविधा। बिल्कुल संकेत, मैं रोकूंगा आपको। एस एन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अब छुट्टी रहेगी उत्तर प्रदेश में। 2024 का जो हॉलीडे कैलेंडर जारी हुआ है उसमें इस बात का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुपम जी, यही तो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात है। हम भेदभाव का कार्य नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जितने हमारे सम्मानित लोग जो हैं, जो आदर्श हैं, उत्तर प्रदेश के आदर्श हैं, हम सबको सम्मान देने का कार्य करते हैं। और निश्चित तौर पे एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में अगर चौधरी चरण सिंह साहब एक एक बड़े नेता थे और अगर उनके नाम पे छुट्टी घोषित की जाती है तो इसका सभी लोग सम्मान करेंगे और सम्मान होना चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे की सरकारों में अंतर है। आप देखिए और सारी सरकारें हैं, सटा राज्य बिहार है जो हमारे इंडिया। लेकिन सिंह साहब मैं रोक कर पूछना चाहता हूं, आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और अब 2024 के कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान,
एक लंबा वक्त आपको ही नहीं लगा? देखिए अनुपम जी, बातें ऐसी नहीं होती है। हम हजार अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, उसमें कौन सा क्रम पहले आ जाए, और लेकिन हम कार्य तो अच्छा कर रहे हैं ना, हम ऐसा तो कार्य नहीं कर रहे हैं जैसे पहले लोग करते थे कि अगर उसी दिन जो है दिवाली और होली है और उसी दिन जुमा है तो कई सरकारें कहती थी कि नहीं आप होली ना मनाएं, आज जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। हम तो एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही सबकी सरकार है जो सबकी बात करती है, सबके विश्वास को लेकर चलती है और अच्छा कार्य करती है। तो मुझे लगता है अनुपम जी ये खुशी का विषय है, इसमें कोई विषाद नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई सोच नहीं है, ये तो एक स्ट्रांग मैसेज। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वो एक आदर्श है, और किसी भी आदर्श व्यक्ति के नाम पर अगर छुट्टी घोषित होती है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए अनुपम जी। और रही बात की 100 की गिनती तो एक से ही शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है नित नए रोज अच्छे कार्यों को करती है। उन अच्छे कार्यों में कोई कार्य पहले नंबर पे होगा, कोई 10वें पे, कोई 50वें पे, कोई 6वें नंबर पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्य तो अच्छा कर रही है अनुपम। तो क्या सिंह साहब इसको इस तरीके से भी माना जाए कि जिस तरीके से तमाम चर्चाएं लगातार कई महीनों से चल रही है जयंत चौधरी को लेकर के या आरएलडी को लेकर के, कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अब छुट्टी का ऐलान आपने कर दिया है, तो क्या जयंत चौधरी भी अब कहीं ना कहीं एनडीए में आकर के आपके पाले को मजबूत कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं मानी जा सकती हैं? ये राजनीति एक ऐसा विषय है जिसको इस तरह से नहीं आप कह सकते कि कौन कहां पे आएगा, सब एक विचारधारा की खेल होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल 10 सेकंड में आपको देना चाहूंगा, जेडीयू जो हमारे साथ थी उसकी विचारधारा राम जन्मभूमि पे हमारे साथ नहीं थी, उसकी 370 पे हमारे साथ स्वीकारता नहीं थी, लेकिन जब वो हमारे विचारधारा को अपनाई तो हमारे साथ आई। तो निश्चित तौर पे हमारी विचारधारा को कोई अपनाता है, राष्ट्रवाद को अपनाता है, विकासवाद को अपनाता है, और तो निश्चित तौर पे वो हमारे साथ अगर वो आता है तो हम इसको स्वीकारेंगे, उसका सम्मान करेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार तो करे, माने तो, राष्ट्रवाद को अपनाए तो, किसी से कोई भेदभाव थोड़ी ना होता है राजनीति में, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और राष्ट्रवाद के कार्य को करती है, विकास को लेकर चलती है, सभी धर्मों के सम्मान देने का कार्य करती है अनुपम जी। सिंह साहब, लेकिन जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें, किसान नेता के तौर पर एक संघर्ष और पूरा जो जीवन है वो किसानों के हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बिताया, तो ऐसे में इसके जरिए आपकी सरकार किसानों में भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए अनुपम जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी एक विरोधी पार्टी के नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या उनके साथ कोई भेदभाव किया? नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को वर्तमान में है नहीं है, अगर उसका योगदान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए रहा है तो अनुपम जी निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म, बिना वर्ण वर्ग मत मजहब क्षेत्र देखे हुए भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों का क्रमशः सम्मान करने का कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो सुंदर। अनुपम जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। मेरे साथ आरएलडी के प्रवक्ता अजयवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सिंह साहब स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024 का जो हॉलीडे कैलेंडर जारी किया है उसमें चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस कदम को? पहले तो मेरा नाम करेक्ट कर लीजिए, मैं रोहित अग्रवाल बोल रहा हूँ। माफी चाहता हूँ रोहित जी, आप जवाब दीजिए। दूसरी चीज ये, 2017 से पहले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर पहले से छुट्टी घोषित थी जिसको इस सरकार ने निरस्त किया था, अब इन्होंने पुनः इसको घोषित किया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। हम मांग करते हैं सरकार से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि चौधरी साहब का सम्मान किसान का सम्मान है, मजदूर का सम्मान है, गरीब का सम्मान है। चौधरी साहब का जो योगदान राजनीति के अंदर रहा है वो कहीं ना कहीं समाज को बदलने में कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णायक रहा है। और चौधरी साहब ने हमेशा धर्म और जाति के ऊपर उठ के राजनीति की है। चौधरी साहब के जो विचार थे आज वो विचारधारा के रूप में समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। भाजपा उनका सम्मान कर रही है, एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने ये कदम उठाया है।
मैंने आपको बताया कि 2017 में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर जो छुट्टी थी उसको खत्म करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी, परंतु इन्होंने पुनः इसको घोषित किया है। इसको हम स्वागत योग्य निर्णय मानते हैं और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं सरकार को, परंतु हम मांग करते हैं, पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सिंह साहब जवाब दे दीजिए भाई, खत्म भी आपने किया, शुरू भी आप कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब आवाज आ रही है? चौधरी बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए हमारे मित्र को समझना होगा कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब वो पूरे भारत के नेता थे, ऐसा नहीं है कि वो इनके नेता थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टनर थे। भारतीय जनता पार्टी से जब चौधरी चरण सिंह साहब के पार्टी का गठबंधन होता है तो उस समय इनकी पार्टी जितनी सीटें पाती है मुझे लगता है कि आज तक उतनी सीटें नहीं पाई। तो मैं कह रहा हूँ एक विचारधारा की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीति के तहत ऐसा कार्य नहीं कर रही है। यही अच्छी स्वीकार्यता है, यही अच्छी सोच है, यही अच्छी समझ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए योगदान हुआ है, निश्चित तौर पर क्रमशः उसका सम्मान किया जाए। दोबारा न्यूज 18 के जिम्मेदार चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और आगे भी सम्मान करती रहेगी। रही बात हमारे मित्र जो कुछ भी मांग कर रहे थे, सिंह साहब मैं रुकूंगा, रोहित जी हमारे साथ। रोहित जी सवाल ये है 2017 में क्या हुआ और 2023 में अब क्या हो रहा है ये आपको दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चौधरी साहब का सम्मान सर्वोपरि है और इसीलिए छुट्टी के कैलेंडर में अब चौधरी साहब की जयंती के मौके पर छुट्टी का ऐलान। नहीं देखिए, मैं एसएन सिंह साहब जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि चौधरी साहब किसी दलगत राजनीति तक सीमित नहीं है। चौधरी साहब कहीं ना कहीं पूरे देश के नेता रहे हैं और चौधरी साहब का सम्मान हर दल करता है, परंतु आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर चौधरी साहब का तिरस्कार किया जा रहा था, उनकी जयंती के ऊपर छुट्टी रद्द की गई थी, उसको पुनः इन्होंने घोषित किया है, वो स्वागत योग्य निर्णय है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूं, पर हमारी पुरजोर तरीके से ये मांग है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि चौधरी साहब का जो सोसाइटी के बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी आपका, एसएन सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 यहां पर जानकारी दे रहा है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी का ऐलान। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो 2024 का हॉलीडे कैलेंडर जारी किया गया है उसमें यहां पर किया गया है, जिस पर आप पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और आरएलडी के नेता भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कह रही है कि यह बहुत बड़ा कदम है और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आप उत्तर प्रदेश में 2000 छात्र के चेहरे पर फ्लूट लगाने का आरोप लगाया, चेहरे को थिनर से साफ करने का भी आरोप लगाया। छात्र ने डेस्क पर लिखा था जय श्री राम, स्कूल प्रबंधन ने टीचर को हटाया है, बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। गाजियाबाद से बड़ी खबर, स्कूल की टीचर मनीषा मैसी पर गंभीर आरोप लगे हैं, स्कूल के प्रबंध तंत्र ने टीचर को यहां से हटा दिया है, मिशनरी स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्र के चेहरे पर फ्लूट लगाने का आरोप लगा है, बड़ी खबर, चेहरे को थिनर से साफ करने का आरोप लगा है यहां पर टीचर पर। उस भूमि पर खड़े हो, धर्म भूमि पर, हमारे पूज्य राम जी है, हम राम जी के मानते हैं, स्कूल है ये सब है। तो हमारा सनातन धर्म। फरुखाबाद से खबर है, भतीजे ने चाची को गोली मारी है, पैसों के लेन देन को लेकर गोली मारी गई है, घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर सीओ सिटी बारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के खतराना मोहल्ले का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, भतीजे ने चाची को गोली मारी है, पैसों के लेन देन को लेकर यह गोली मारी गई है, घायल महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। फरुखाबाद से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी जिले में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उसके 14 साल की बेटी जब शौच के लिए गई थी तो आरोपी हिमांशु ने उसके साथ रेप किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया है। घटना सरायकिल थाना इलाके की है।
हाँ, ये सरायकेल थाना क्षेत्र में कल एक दुष्कर्म का मामला आया था जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। संत कबीर नगर में 2 साल की मासूम के साथ एक महिला का शव छत की कुंडी से लटकता मिला है। मामला मेंदावल इलाके के गगनई राव गांव का है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह सामने नहीं आई है। थाना क्षेत्र मैदावल में एक गांव है गगनई गांव। पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर सुबह में कि एक लेडी है जिनका नाम किरण है और उनका 2 साल का एक बच्चा है, दोनों लोग की बॉडी छत से साड़ी के फंदे से लटकी हुई है। वहाँ पे फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। फील्ड यूनिट ने वहाँ से जो भी सैंपल्स थे कलेक्ट किए हैं, बॉडी को नीचे उतारा गया है और बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने हेतु अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबर झांसी से, जहाँ पर एक बार फिर खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। मामला चिरगांव इलाके का है जहाँ किसानों को एक खेत में भारी भरकम मगरमच्छ दिखा। वन विभाग के आने से पहले ही खेत पर काम कर रहे किसानों ने मगरमच्छ को काबू में कर बड़ी लकड़ी की लाठी में बांधकर बेतवा नदी में उसे छोड़ दिया।